देश के सामने लोकतंत्र बचाने का सवाल है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाने का सवाल है। ऐसे समय में से अमरेंद्र सिंह जी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो सोनिया जी के साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतनी बार अवसर दिया हो ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में जो कुछ समाचार पत्रों में छप रहा है उससे उनके शुभचिंतकों को दुख हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला पंजाब के जनमानस को हमेशा उद्वेलित करता रहा। अकाली दल के षड्यंत्र से ये बेअदबी हुई और बेअदबी के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर गोली चलाई गई। कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था कि दोषियों को दंडित किया जाएगा और कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ही कहा गया था कि चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के लिए जो भी दोषी होगा कानून उसके विरुद्ध काम करेगा। अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट में ठीक से मामला न रखे जाने के कारण हाई कोर्ट द्वारा सरकार के पक्ष को रिजेक्ट कर दिया गया जिससे पंजाब के साथ साथ विधायक गणों कांग्रेस के विधायक गणों उनकी भावनाएं भी उद्वेलित हुई और मंत्रिमंडल में और मंत्रिमंडल से बाहर भी लोगों ने बेअदबी के मामले को ठीक तरीके से हैंडल न करने के लिए मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री पर श्री अमरेंद्र सिंह जी पर सवाल उठाए। पार्टी ने एक 3 मेंबर पैनल श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में गठित किया और उन्होंने उस पैनल ने पंजाब के कांग्रेस के राजनीतिक परिदृश्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसमें सभी MLA 2017 में विधायक का चुनाव लड़े सब व्यक्ति MP ex-MP PCC प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस NSY फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण ex-PCC प्रेसिडेंट्स और इम्पोर्टेंट कांग्रेस लीडर्स से बातचीत की
और उसके बातचीत के बाद एक 18 सूत्री एक्शन प्रोग्राम श्री अमरेंद्र सिंह जी की स्वयं की सहमति से उनको सौंपा गया। जिस पर एक टाइम बाउंड प्रोग्राम एक्शन लिए जाने की अपेक्षा की गई। दुर्भाग्य से कई महीने बीतने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः अमरेंद्र सिंह जी से पैनल ने बातचीत की। उन्होंने पुनः पैनल के माध्यम से कांग्रेस प्रेसिडेंट को आश्वस्त किया कि वो सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जब फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं स्वयं गया और मैंने श्री अमरेंद्र सिंह जी से उनके निवास पर बातचीत की। और पांच प्रमुख बिंदुओं को जिनमें श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी और पंजाब में ड्रग माफिया के कुख्यात संचालक के खिलाफ कार्रवाई का बिंदु भी सम्मिलित है, उन पर कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया, कहा और अधिकारियों से कहलवाया कि उस पर हम बहुत जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर सब चीज़ें रोल डाउन हो जाएं। और 20 दिन बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने फिर याद दिलाया विधायक गणों में बेचैनी फैली और 43 विधायक गणों ने माननीय कांग्रेस अध्यक्ष से ये मांग की कि मुख्यमंत्री निरंतर उन बिंदुओं की अवहेलना कर रहे हैं जिन बिंदुओं जो चुनाव के मौके के लिए भी आवश्यक हैं और जो हमारे चुनावी वादे से संबंधित हैं, और इसलिए सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाए। मैंने उन विधायक गणों से बातचीत की और उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया यदि आप नहीं बुलाएंगे तो हम किसी तरीके का भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। आज ये कहा जा रहा है कि मुझे नहीं बताया गया कि सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाए। मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूँ कि मैंने 3 दिन कोशिश की और मैं अपने मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं कर पाया, और पंजाब के लोग जब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो इसको समझेंगे और इसकी तायीद करेंगे। अनंत गत्वा पार्टी के अंदर कुछ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटित ना हो इसलिए हमने सीएलपी की मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया, और उस निर्णय की सूचना मैंने कुछ स्रोतों से माननीय मुख्यमंत्री को दे दी और उनके कार्यालय प्रभारियों को दे दी, और मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन स्वयं पेशकश करके दी और कहा कि मैं बैठक में नहीं जाऊंगा, वहाँ कई तरीके के सवाल किए जाएंगे, मैं वो एम्बैरेसमेंट नहीं झेलना चाहता, इसलिए मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। और कांग्रेस अध्यक्षा से उन्होंने बातचीत की और गवर्नर के पास जाकर के त्यागपत्र दिया। उनके त्यागपत्र की सूचना मिलने पर सीएलपी की मीटिंग में सर्वसम्मति से 9.5 साल पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने और पार्टी को नेतृत्व प्रदान करने के लिए
श्री अमरेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दिया गया और उनके कार्य की सब ने सर्वसम्मत तरीके से प्रशंसा की। तो इसलिए ये कहना कि श्री अमरेंद्र सिंह जी के साथ कोई बेअदबी की गई या उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनका मान सम्मान नहीं रखा गया, ये बिल्कुल तथ्यों से परे है। मैंने इतने विस्तार में इस बात को इसलिए बताया और इसलिए मैंने कहा प्रारंभ में कि मुझे दुख है कि मुझे ये तथ्य सामने रखने पड़ रहे हैं ताकि देश के सामने ये बात क्लियर रहे कि कांग्रेस नेतृत्व ने यथासंभव, जहाँ तक पार्टी को बचाने के लिए संभव था वहाँ तक श्री अमरेंद्र सिंह जी की बातों को माना और उसके अनुसार ही काम किया। और अब क्या कारण हैं, कई बात चर्चा में है। जिस तरीके से एक परसेप्शन बन गया था किसी कैप्टन अकालियों से मिले हुए हैं, आज मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि श्री अमरेंद्र सिंह जी के दो तीन दिनों में जो बयान आए हैं वो बयान ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में हैं और सत्तारूढ़ दल जो पंजाब के अंदर डिसक्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरेंद्र सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं और उनकी जो उनको मुखौटा बनाने की कोशिश है उस कोशिश को वो नकारें। नंबर वन। उसी बात मैं दूसरी बात भी कह लेता हूँ, फिर पूछ लीजिए। कांग्रेस गांधी जयंती के मौके पर एक बार फिर से अपने आप को गांधी जी द्वारा स्थापित रचनात्मक मूल्यों के साथ संबद्ध कर रही है और जो गांधी जी ने कहा था कि गांव चलो, गरीब के पास चलो, दलित के पास चलो, उसके लिए हमने राज्य में एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। पार्टी के सभी नेतागण दो तारीख को गांव में प्रवास करेंगे, सफाई के कार्यक्रम में भाग लेंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करेंगे, वाल्मीकि बस्तियों में जहां जाएंगे वहां के वृद्ध वाल्मीकि जनों को का सम्मान करेंगे, सहभोज आयोजित किए जाएंगे और गांव वासियों से और विशेष तौर पर युवाओं और महिलाओं से संवाद किया जाएगा। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के निर्माण के लिए भी लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। और हमने ये भी आपस में परामर्श किया है कि हम इस पहल को आगे भी जारी रखें।
क्योंकि गांधी के मूल्य या आज़ादी के मूल्य या रचनात्मक राजनीति के मूल्य कोई एक दिन दो दिन के लिए नहीं हैं बल्कि शाश्वत हैं। इसलिए हम और हमारे नेतागण अपने आचरण में इनको समावेशित करेंगे और हम हर महीने एक दिन गांव में बिताएंगे और लोगों से सीधा संवाद, ग्रामीण लोगों से सीधा संवाद बनाएंगे। अब आप एक एक करके पंजाब में धारा साइन करने में आपकी भूमिका अधिक रही है, पंजाब सरकार को गिराने में भूमिका आपकी ज्यादा रही है क्या?